लॉयंस क्लब रायपुर शिखर द्वारा आज निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन देवेंद्र नगर में किया गया, जिसमें डेंटल फिजियोथेरेपिस्ट, ईएनटी मेडिसिन के डॉक्टर और खून जांच की व्यवस्था की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वास्थ्य लाभ उठाया। आइए देखते हैं हमारे रायपुर संवाददाता अनिल नेताम की एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल जैसे मुश्किल वक्त में अपनी सेवाएं देने वाले रायपुर की सुप्रसिद्ध डॉक्टर संदीप सूरी ने भी इस शिविर में अपना योगदान दिया और INN 24 से खास बातचीत करते हुए कई जानकारी साझा की। आज लायंस क्लब के द्वारा एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सुनील सर हैं, उनसे कुछ जो बातें हैं अभी उनसे चर्चा करेंगे। सर, कोरोना के जो अभी मोस्ट सिम्टम्स हैं, इसमें क्या हैं सर, कैसे एहतियात बरत सकते हैं? देखिए, कोरोना के मोस्टली जो सिम्टम्स हैं वो एक सांस का फूलना है, एक खांसी है, एक मतलब कि बुखार है, ठीक है। कोरोना सबसे पहले फैलता कैसा है? एयरबॉर्न रूट से। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मेरे आसपास कोई है, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो वो एयरबॉर्न रूट से फैलेगा, या फिर हम जैसे स्पिटिंग वगैरह करते हैं, कहीं पे भी थूकते हैं, तो वो सबसे भी वायरस जो हैं वो मतलब कि एयरबॉर्न रूट पे आते हैं। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि चलने वाले फिरने वाले लोग जो इनहेल वगैरह करते हैं, तो उस वजह से फिर मतलब कि एयरबॉर्न रूट से वो ट्रांसमिट होती है, या फिर कई और तरीके होते हैं उससे भी ट्रांसमिशन होता है। और अभी फ़िलहाल में जैसे तकलीफ़ बढ़ती है, मैं यही कहूँगा कि तकलीफ़ों को नज़रअंदाज ना करें। बहुत से लोग टेम्परेरीली ट्रीटमेंट लेके घर में रहना पसंद करते हैं, फिर जब तकलीफ़ बढ़ती है तब वो अस्पताल पहुँचते हैं, तब उन्हें आइडेंटिफाई होता है कि उनको कोरोना है। जितनी जल्दी तकलीफ़ें अगर आई हैं जैसे आपको, तो जितनी जल्दी हो उन तकलीफ़ों का निदान करने की सोचें, ना कि टेम्प्ररी रिलीफ लेने की सोचें। जितनी जल्दी निदान करने की सोचेंगे उतनी जल्दी शरीर के लिए और सभी चीज़ों के लिए अच्छा होगा। सर, एक वायरल फीवर जो है काफ़ी लंबे समय तक रह रहा है, इसका सर कारण क्या है और इस पर क्या बचा जा सकता है? जी देखिए, अभी जो वायरल फीवर आ रहे हैं वो काफ़ी पेशेंट जैसे फीवर के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं अभी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी कोविड का पैंडेमिक था, तो सबसे पहले मतलब कि फीवर के तौर पे हम कोविड ही सस्पेक्ट कर रहे थे। बट क्या था कि जैसे ये जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह है, इसमें मतलब कि हमने खून की सारी जांच कराई, बुखार क्यों आ रहा है उसके कारण रूल आउट किए, एक्सरे किए, सीटी स्कैन किए, और इवन हम लोगों ने RT-PCR भी कराया। तो एक तौर से ये भी बोल सकते हैं कि जो पेशेंट जिनको कोविड हो चुका है, जो अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, बीच बीच में उनको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं। सो वायरल में हमको क्या करना होता है कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। वायरल में क्या है कि हम जितनी खून की जांचें करते हैं, सब चीज़ करते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं। अब वायरल में क्या है कि जैसे बुखार है और ब्लड रिपोर्ट्स हमने जो देखी उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि मे बी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बट अभी 100% ऐसा नहीं है कि ये नहीं बोल सकते कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ही हैं। कुछ पेशेंट हैं जिनको कोविड की भी हिस्ट्री रही है, वो अभी बीच में वायरल फीवर के साथ फॉलोअप के लिए आए थे। सर, ऐसा कौन सा सिम्टम है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और आने वाले समय में वो घातक साबित हो सकता है? देखिए, वैसे कहा जाए तो सांस की तकलीफ हुई, दूसरा खांसी हुई और बुखार हुआ। अब जैसे खांसी और बुखार आता है तो लोग क्या करते हैं कि जाते हैं
किसी मेडिकल स्टोर में और बोलते हैं कि हमको खांसी की दवा दे दो, हमको बुखार की दवा दे दो। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में कुछ रिसर्च किया तो मुझे ये देखने को मिला कि लोग जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रेड के लोग हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। इन्फेक्शियस डिसीज़ उनमें सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो टेम्परेरीली ट्रीटमेंट लेने के बाद सिम्टोमेटिकली जब राहत महसूस करते हैं तो वो उन्हें लगने लगता है कि वो अच्छे हो चुके हैं, बट जो उनको सिम्टम आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, क्या हैं, कोई अगर उन्हें जांच वगैरह लिख के देता है तो वो चीज़ें वो कराना ज़रूरी नहीं समझते हैं। हर चीज़ पे चीज़ें मतलब कि डिले की जाती हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि इस वक्त अगर किसी को सांस की तकलीफ़ है, सांस के साथ में छाती दुख रही है या फिर बुखार आ रहा है या फिर खांसी हो रही है और या फिर भूख का लगना कम हो रहा है, ये चार सिम्टम अगर किसी को दिख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो जाएं और ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कराएं, जो भी जांच बन सकती है वो करें। और अभी कई हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टिगेशन के भी पैकेजेस निकाले जा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में भी कार्ड की योजना वगैरह है, तो योजना के तहत कई सारे पैकेजेस हैं। तो अभी मैं यही कहूँगा कि जिसको भी सांस फूलना, छाती दुखना, बुखार आना, खांसी आना और भूख ना लगना, ये इनमें से कोई भी अगर तकलीफ़ हो रही हो तो बिना रुके अपने आसपास के चिकित्सा केंद्र में तुरंत जाएं और तुरंत चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट जो भी आसपास में हैं उनसे संपर्क करें। सर, ये चेस्ट और छाती में जो है दर्द के मामले अधिकतर बढ़ते आ रहे हैं, सर इसका कारण क्या है और इसके निदान कैसे कर सकते हैं? देखिए, छाती में जैसे दर्द की वजह कई सारी है। अब जैसे किसी की छाती दुख रही है, कई बार खांसी करने की वजह से भी दुखती है और कई बार जैसे हार्ट पेशेंट रहते हैं उनको हार्ट अटैक वगैरह जैसे आता है तो छाती दुखती है और साथ में पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है हार्ट फेलियर के पेशेंट पे। और कई बार जैसे पेन छाती में एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसफ़र होता है तो वो जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, गैस प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी होता है। तो जैसे छाती दुखती है तो उसमें सबसे पहले हम छाती का एक्सरे करके देखते हैं, छाती की पट्टी निकाल के देखते हैं और हार्ट की सोनोग्राफी करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन कराने पर जो चीज़ें सामने आती है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। निदान के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर जैसे कोई तकलीफ़ है हार्ट वगैरह की तो उसका रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर के पास कराएं, या सांस की तकलीफ़ की वजह से भी कई बार छाती का दर्द उत्पन्न होता है तो पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर हार्ट केयर के जो डॉक्टर हैं उनके पास रेगुलर चेकअप और फॉलोअप कराएं। जो भी उनको दवाइयां चल रही हैं समय पर फॉलोअप करें और जो एसिडिटी की वजह से जो छाती का दर्द होता है उस पर ज़्यादा तेल या फिर तली हुई चीज़ें वगैरह खाना कम करें। कुछ परहेज़ अपने को भी करने पड़ते हैं, दवाई ही हर चीज़ का निदान नहीं होती है, बीमारी में कुछ खाने पीने का भी परहेज़ करना पड़ता है। तो ये थे डॉक्टर सुनील सर, जिन्होंने बताया कि आपको अभी सीने पर दर्द भी है तो फिर आप कुछ चीज़ें परहेज़ करिए, कुछ मेडिसिन भी खाएँ। क्लब के
अध्यक्ष बताती है कि हम लोग अनवरत कार्य करते हैं, जो भी सेवा कार्य करना चाहते हैं उसे एक ही लक्ष्य में करते जाते हैं, कहां पर लोगों को जरूरत होती है वहां तत्काल पहुंच सेवा देने की कोशिश करते हैं। समाज में जिन जिन व्यक्ति को जो जो चीज़ की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं बिना किसी बड़े प्रोजेक्ट के या बगैर किसी बहुत बड़ी सहायता के। सबसे पहले ऐसा लगता है कि भाई काम जो है जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को हम तुरंत में पूरी करें, और इसके लिए पूरी हमारी शिखर टीम जो है, मेरी एक एक बहनें जो हैं वो इसके लिए संकल्पित है कि हमें सिर्फ सेवा करना है, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है कि उमंग के साथ एक कदम शिखर की ओर। और ऐसा करते करते आप सबका सहयोग मिला और आज हम इस मुकाम पे हैं। दिल से धन्यवाद, आप सबका आशीर्वाद और सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। और आज हम जो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, इतना मेगा कैंप कर रहे हैं हम, ये राधा मोहन फाउंडेशन के तहत ये जो नई चीज़ें जो देखने को मिल रही है। आज हम लोगों ने फ्री हेल्थ कैंप लगाया है, इसमें फिजिशियन, डाइटिशियन, डेंटिस्ट, हृदय रोग के लिए और ब्लड टेस्टिंग, ऐसे करके 8 कैंप लगाए हैं और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनके लिए लगा हुआ है। और यही अरेंजमेंट श्री राधा जी वर्मा जी ने किया है, और बहुत ही सारे डॉक्टर, बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों के चेकअप होएगा और उससे उन लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। जो बीमारी है उसके लिए वो लोग पहले से सचेत हो जाएंगे कि कैसे क्या करना है। जांच के लिए आए लोगों ने कहा कि ऐसा शिविर हर जगह लगाना चाहिए, बहुत अच्छा लगा इस शिविर में आकर। इसलिए अभी कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है तो बहुत सारे लोग इस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हॉस्पिटल्स में जाना, मतलब कुछ हो तो ऐसे सोशल सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग की चलो फ्री मेडिकल चेकअप एटलीस्ट लोगों का हो जाए तो वी कुड हेल्प इट आउट। ऐसे लगना चाहिए हर जगह पे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शिविर लगा तो, सबकी इलाज होना चाहिए ऐसे फ्री में। क्या चेकअप कराया? थायराइड का। एक कैंप का आयोजन किया, मेडिकल कैंप का, और उसमें विभिन्न विधाओं के डॉक्टर यहाँ पर हैं। यहाँ पर आई का चेकअप हो रहा है और मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डेंटल के हैं, यहाँ पर फिजियोथेरेपी के हैं, डाइटिशियन हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि लायंस क्लब ऑफ रायपुर शिखर जो है एक अपने आप में ही नाम से ही शिखर है, और इनकी एक्टिविटीज़ जो मैं देखते रहता हूँ हमेशा कि साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता होगा कि इन लोगों की एक्टिविटीज़ ना होती हो।